नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आने वाले सप्ताह से मैराथन से रिलेटेड टिप्स देने जा रहा हूं, तो ये छोटी सी वीडियो है। मैं इसमें एक आपको टिप दूंगा जो कि आप उसको अगर मैराथन के दिन में इस्तेमाल करते हो तो आपका टाइमिंग कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और कुछ समझिए। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आखिर की ये एक्सरसाइज आपको क्यों करना है, ये चीज करने से आपको आपका टाइम कैसे कम होगा। तो आपको क्या करना है कि सप्ताह में कम से कम दो दिन आप इस तरह से कोई भी पोल या फिर कहीं पे ईटा रख लीजिए या फिर पानी का बोतल रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, पर वहां पर आपको क्या करना है, दोनों साइड से दौड़ना है, दोनों साइड से चक्कर लगाना है, दो चार बार, चार से पांच बार लगाइएगा तो आपको ये मैराथन का दिन में बहुत काम आएगा। अब ये काम कैसे आएगा ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। आप मैराथन में कोई भी डिस्टेंस चूज कर लो, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, कोई सा भी, तो आपको कम से कम उस इवेंट में, उस डिस्टेंस कैटेगरी में आपको कम से कम 3 से 4 टर्न मिल जाएगा। 3-4 टर्न ना भी हो तो 2 टर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप इस चीज का प्रैक्टिस करते हो तो जब आप मैराथन का दिन में जब दौड़ोगे तो आपको जब टर्न मिलेगा तो वहां पर आपका स्पीड बहुत ज्यादा कम नहीं होगा और आप फिसल के गिरोगे भी नहीं। बहुत कुछ का क्या होता है कि जब टर्न होता है तो वो लड़खड़ा जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, गिरने का भी चांस होता है। तो अगर आज से ही अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हो तो क्या होगा कि आप मैराथन का दिन में जब दौड़ोगे तो आप स्लिप खाने का बहुत कम चांस होगा और आपका जो स्पीड है, जो बहुत ज्यादा गिर जाता है, वो गिरेगा भी नहीं। और एक बार स्पीड गिर जाने के बाद फिर से उसको ऊपर करने में बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन होता है और अपना रिदम भी खराब हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज को आप ऐड करिए सप्ताह में एक दो दिन, कभी भी आप 2-4 बार दौड़ना है कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे। और इसको करने के बाद आप महसूस करोगे कि जिस दिन भी मैराथन जाओगे कम से कम आपका 5-10 सेकेंड का ये आपका हेल्प कर देगा, मदद कर देगा कम से कम। तो आपका जो भी पर्सनल बेस्ट है, पीआर है, पर्सनल रिकॉर्ड है, उस पर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो यही जानकारी मैं देने के लिए आया था। इसी तरह का टिप्स मैं हर एक सप्ताह में डालता रहूँगा। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा। और मैराथन से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को भी बजा लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं ये टिप्स फिर से डालूं आप लोगों को तुरंत वो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।